इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में आपको बायोलॉजी जैव प्रकर्म का तीसरा भाग पौधे और प्राणियों में परिवहन पढ़ेंगे और आप लोग पीछे पौधे और प्राणियों में पोषण, पौधे और प्राणियों में श्वसन के बारे में पढ़ा और इसमें पौधे और प्राणियों में परिवहन पढ़ेंगे। पोषण में आप क्या पढ़े थे कि शरीर के निर्माण और वृद्धि विकास के लिए ऊर्जा और लवण प्राप्ति की क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी किसी भी सजीव के शरीर और पूरे शरीर की संरचना के निर्माण में और विकास में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से मिलता है, यानी जब हम भोजन को लेते हैं तब उससे जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर में काट करने की क्षमता होती है, शरीर में वृद्धि विकास होता है। लेकिन श्वसन चैप्टर में उसी भोजन का पाचन होता है, क्योंकि जब तक पाचन नहीं होगा तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। तो उन दोनों चैप्टरों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जो बच्चे अभी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो पीछे वाले वीडियो बायोलॉजी वन पार्ट लेक्चर वन लेक्चर टू को देख लें, सुन लें, कॉपी पर नोट कर लें तो इसको आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि मेरा दो चैप्टर छूट गया है, ऐसी बात नहीं। अब वो चीज तो रहा नहीं, अब तो जब जाएगा तब नया बैच शुरू। चाहिएगा तो आज से आप पहला चैप्टर भी पढ़ सकते हो और जो पढ़ा रहे हैं उस भी पढ़ सकते हो। तो विद्यार्थी जी, पीछे वाला चैप्टर को जरूर से जरूर आप पढ़ लें, वीडियो को दोबारा देख लें, पूरा पूरा देख लें, बहुत ज्यादा समझ में आएगा। आप इस चीज को सोच रहे होंगे कि भोजन लेते हैं उसका पाचन होता है, ऊर्जा मिलता है। ये मिलता है कहां पर और जाता कहां पर, और जाता है तो कैसे जाता, क्योंकि हमको यह एहसास भोजन भूख के रूप में होता है कि हमें भोजन चाहिए, भूख लगा हुआ है, भोजन लेते हैं। उस भोजन इतना तो जरूर जानते हैं कि मुंह में लेने के बाद पेट में जाता है, ये मोटा मोटी शब्द हुआ। जो व्यक्ति पढ़ाई से जुड़े हुए हैं सो भी जानते हैं और जो नए भी जुड़े हुए हैं सो भी जानते हैं कि मुंह में खाएंगे तो पेट में जाएगा,
लेकिन उस पेट से ऊर्जा हमारे शरीर के सभी हिस्सों में होता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आपके बगीचे में कोई पौधा है तो जैसे ही आप देखते हैं उसकी पत्तियां मूर्छित हो रहा है, फल फूल, तो आप समझ जाते हैं इसे पानी की आवश्यकता है और आप पानी डाल देते हैं। सही बात है। यहां तक कि आप जान रहे हैं कि पौधा के पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी आप डालते हैं मिट्टी में। दो चार गिलास पौधा को दीजिए, उसको पत्तियां को उस पानी में डुबा कर रखिए, पी लेगा, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। इसका मतलब पीता भी नहीं होगा। विद्यार्थी, आप पत्तियां के माध्यम से भी देंगे तो कुछ जल का अवशोषण करेगा। यदि विश्वास नहीं होता है तो साग सब्जियां बेचने वाले लोग हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे साग धनिया मूली इत्यादि के ऊपर पानी छिड़ते रहता है, उसकी पत्तियां एकदम खिला पिला रहता है। आप पौधा की पत्तियां जब मूर्छित होता है तब पानी आ डालते हैं मिट्टी में, मिट्टी में डालते हैं, फिर पत्तियां तक आ जाता है। कुछ समय के बाद देखते तो पत्तियां बिल्कुल हरा भरा दिखने में लग रहा है। आपको सोचना है, समझना है, ये पानी मिट्टी से पत्तियां तक कैसे पहुंचा और किसके द्वारा पहुंचा। इस बात को हम लोग को मन में आ रहा है, उठ रहा, तो पहुंचना ही परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। देखते हो बसों में लिखा रहता है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, यानी इस बस के माध्यम से बिहार राज्य के विभिन्न कोने में आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं और दूसरे स्थान से प्रारंभिक स्थान पर आ सकते हैं। हमारे शरीर में, पौधे के शरीर में, सूक्ष्म जीवों के शरीर में, सभी सजीवों के शरीर में ऐसी प्रकार से परिवहन होता है, आना और जाना। हमारे शरीर में बहुत ऐसे पदार्थ है जो जाता है और बहुत ऐसे पदार्थ है जो निकलता है। आप जानते होंगे कि भोजन लेते हैं तो मल निकलता है, पानी लेते हैं तो मूत्र का निष्कासन होता है, पसीने का निष्कासन होता है, नाक द्वारा कफ का निष्कासन होता है, नासिका छिद्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होता है। तो विद्यार्थी, इसका मतलब है कि जाता है तो कुछ बाहर जरूर आता है। आप एक छोटा सा कॉमेडी सुने होंगे कि पैर में जख्म हो खेला ने आ दवा मुंह में खाला, ठीक कैसे होता, इस पर आप भी सोचिए कि जख्म तो पैर में है और दवा मुंह में लिया जा रहा है, डायरेक्ट वही बांध देते तो नहीं ठीक होता, फिर भी मुंह में क्यों लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह दवा पेट के माध्यम से, परिवहन ऊतक के माध्यम से, परिवहन तंत्र के माध्यम से पैरों के उस नष्ट कोशिका ऊतक जिसको आप जख्म कर रहे हो उसका भरण होता है, तब वो ठीक होता है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में कई पदार्थों का परिवहन और निष्कासन होता है। निष्कासन के बारे में हम लोग
आगे वाला अध्याय उत्सर्जन में बात करेंगे। यहां पर सिर्फ परिवार। तो विद्यार्थी जी, अब आपको परिवहन शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा कि परिवहन शब्द का अर्थ हुआ स्थान परिवर्तन, कोशिका परिवर्तन, उत्तक परिवर्तन, बदल मत जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। परिवर्तित मतलब बदलना भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना भी परिवर्तन कहलाता है, लेकिन यहां पर आप इसको परिवहन बोलेंगे। जब श्वास लेते हैं तो आपने पढ़ा कि फेफड़े में जाता है, जो हीमोग्लोबिन कोड हो इनका काम करता है, जुटकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता और हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है। ये बात हम लोग पीछे वाले वीडियो में किए थे श्वसन चैप्टर में, इसलिए मैं बोलता हूं कि पीछे वाला वीडियो को एक करके जो बच्चा नहीं देखे वो देख लेंगे, जो देखे हैं वो कॉपी के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं पूरे चैप्टर। तो आइए अब हम आपको परिवहन का परिभाषा बोलते हैं। सजीवों के शरीर में एक कोशिका से दूसरे कोशिका, एक उत्तक से दूसरे उत्तक या एक अंग से दूसरे अंगों में कई पदार्थों का पहुंचना और निष्कासन परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। यहां पर पौधे और प्राणी दोनों में पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग पहले पौधों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में दो प्रकार के परिवहन उत्तक होता है, जाइलम परिवहन उत्तक, दूसरा फ्लोएम परिवहन उत्तक। यह दोनों परिवहन उत्तक पौधे में आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। जैसे पीछे आपको बताए कि जब उसे जल की आवश्यकता होती है तब हम मिट्टी में जल देते हैं और वो पौधे के तना, फूल, फल, पत्तियां एवं पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। विद्यार्थी, जाइलम, ज से जाइलम, ज से जड़, ज से जड़, यानी पौधे में जड़ों से लेकर जल को पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है, तथा जल में घुले हुए लवणों को भी पहुंचाने का काम करता है। इसलिए आपको बात समझ में आ गया होगा विद्यार्थी कि जाइलम परिवहन उत्तक के माध्यम से जल और अल्प मात्रा में घुले हुए लवणों का परिवहन होता है। यदि आपको तिलगुतरीय में बोलेगा पौधे में जल परिवहन उत्तक का नाम लिखे तो जाइलम, उत्तर क्या हुआ? जाइलम। पौधे में घुले हुए लवणों का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। इसलिए परिभाषा नहीं बन जाता है। जाइलम वैसा परिवहन उत्तक है जो पौधे में जल तथा घुले हुए लवणों को परिवहन नीचे से ऊपर दिशा की ओर करता है और इसकी कोशिका मृत होती है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। इसके बाद दूसरा परिवहन उत्तक है फ्लोएम, इसकी कोशिका जीवित होती है और यह दोनों दिशाओं में परिवहन करता है। दोनों दिशा मतलब ये गमला है, इस गमले के अंदर
कोई पौधा लगा देते हैं, केवल पत्नियां है, फल फूल का बात अभी नहीं है, लगा दिया गया विद्यार्थी। तो अभी आपने पढ़ा कि जो जाइलम है केवल नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे। फ्लोएम, फ्लो एम परिवहन उत्तर, जाइलम परिवहन उत्तर। तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, तो नीचे से ऊपर क्या ले जाता है, तो घुला हुआ लवण और जल तो ही ले जा रहा था, जो अघुलनशील लवण है, जो पोषक तत्व है, नीचे से ऊपर ले जाता है। पौधे में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पौधे 16 पोषक तत्वों का ग्रहण करता है, जिसमें 9 पोषक तत्व बृहत होता है और 7 पोषक तत्व लघु होता है। लघु पोषक तत्व उसे कहते हैं जिसे पौधे कम मात्रा में ग्रहण करता, और बृहत पोषक तत्व उसे कहते हैं जिसे पौधे अधिक मात्रा में ग्रहण करते। तो बृहत पोषक तत्वों की संख्या 9 होती है और लघु पोषक तत्वों की संख्या 7 होती है। तो पोषक तत्व और अघुलनशील लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर होता है, तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है तो पत्तियां में संचित होता है C6H12O6, आप पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में। इसका संचयन होता है, जमा होता है शर्करा स्टार्च ग्लूकोज के रूप में, जिसे फ्लोएम परिवहन उत्तर पौधे की पत्तियां से तना में, तनाओं से फल फूल और जड़ तक पहुंचाती है। ये नहीं कि सिर्फ भोज पदार्थ की आवश्यकता केवल पत्तियों के लिए नहीं, बल्कि पौधे के विभिन्न हिस्सों के लिए है। हम कहते हैं शरीर में यदि हमारे शरीर के अंदर कोई कमी आती है तो उस पोषक तत्व को लेते हैं, विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, किसी चीज की कमी होती है तो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसा नहीं कि पेट के लिए ही केवल उपयोगी है, केवल पैर के लिए उपयोगी है, केवल हाथ के लिए उपयोगी है, शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए जरूरी है। तो जाइलम केवल नीचे से ऊपर दिशा की ओर परिवहन करता है, यहां से अब अंतर भी आ जाएगा कि नीचे से ऊपर दिशा की ओर परिवहन करता और ये नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे दोनों दिशाओं में परिवहन करता है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, यानी ये मृत कोशिकाओं से बनी होती है और यह जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। यह जल तथा अल्प मात्रा में घुले हुए लवणों को परिवहन करता है और यह विद्यार्थी ही पोषक पदार्थ और भोज पदार्थों का परिवहन दोनों दिशाओं। तो हम लोग इतना बात पढ़ लिए हैं, अब इतना बात को साफ साफ सुंदर अक्षरों में आपके बीच लिखा जाता है, आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, देखिए परिवहन से आप क्या समझते हैं, परिवहन से आप क्या समझते हैं? आंसर में सजीवों के
शरीर में आवश्यक आवश्यक पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग में जाना तथा हानिकारक पदार्थ पदार्थ को निकलना परिवहन कहलाता है। यानी जो आवश्यक पदार्थ है वो पहुंचता है और जो हानिकारक पदार्थ है वो निकलता भी है। यानी सजीवों के शरीर में आवश्यक पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग में जाना तथा हानिकारक पदार्थों को निकलना परिवहन कहलाता है। यदि केवल निकलने का बात करेंगे तो केवल उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। और आने जाने दोनों क्रियाओं को हम लोग जो लिखेंगे, शरीर में प्रवेश करना और शरीर से निकलना, वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब देखिए विद्यार्थी, यह क्रिया जिस अंग से होता है, जिस कोशिका से होता है, उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी परिवहन की क्रिया जिस अंग या उत्तक से होती है, जिस अंग से होती है, उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। चाहे वो पौधे के लिए हो या जंतुओं के लिए हो। तो अगला कुछ होगा परिवहन तंत्र क्या है? तो आंसर में होगा बाबू, शरीर में परिवहन की क्रिया जिस अंग या उत्तक से होती है उसे परिवहन तंत्र या परिवहन उत्तर कहते हैं। यानी शरीर में, चाहे पादप हो या जंतु, शरीर में परिवहन की क्रिया जिस अंग या उत्तक से होती है उसी को परिवहन तंत्र या उत्तक कहते हैं। पहले हम लोग पौधे में पढ़ेंगे, इसके बाद जंतुओं में। तो क्वेश्चन ही बना देते हैं, पादपों में प्रमुख परिवहन उत्तक पादपों के प्रमुख परिवहन उत्तक के नाम लिखें। अभी बताया गया थी, ध्यान से देखिएगा। आंसर, पादपों के दो प्रमुख परिवहन उत्तक है। पहला बाबू जाइलम परिवहन उत्तक और दूसरा बाबू फ्लोएम परिवहन
उत्तर। बहुत अच्छा, आइए एक बार गौर से पहले देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि लिखते लिखते यदि हम देखिए विद्यार्थी, आप सब लिखने के समय सुना और समय दिया आपको देखने के लिए, अब हम आपको फिर से एक बार समझाते हुए पढ़ देते हैं। परिवहन से आप क्या समझते हैं? परिवहन मतलब पहुंचना। अब हम चले गए तो आना है तो वापस, या हो सके कोई गया है तो उसको वापस आना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पदार्थ गया वही पदार्थ वापस आए, ये कोई जरूरी नहीं है। सजीवों के शरीर में आवश्यक पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग में जाना तथा कुछ हानिकारक पदार्थों को निकलना। आवश्यक गया, हानिकारक निकला, आवश्यक गया, हानिकारक निकला, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन तंत्र यही आने और जाने की क्रिया, आने और जाने की क्रिया जिस अंग से हो, जिस उत्तक से हो, जिस कोशिका से हो, उसी को परिवहन तंत्र कहते हैं। आपने गौर से देखा होगा जिसमें लिखा है। अब हम लोग ये सब तो दोनों के लागू है, अब यहां से चैप्टर में है कि पौधे और प्राणियों में पोषण परिवहन, तो हम पहले पौधों में चल रहे हैं। पादपों के प्रमुख परिवहन उत्तक का नाम लिखे, यानी पौधों में कितने प्रकार का परिवहन उत्तक होता है, तो दो कौन कौन लिखा हुआ है, जायम परिवहन उत्तक या परिवहन तंत्र, फलोयम परिवहन उत्तक या फलोयम तंत्र, कोई दिक्कत नहीं, तंत्र लिखे या उत्तक लिखे। अब हम इसको साफ करते हैं और इन दोनों को चर्चा करते हैं, गौर से सुनते चलिए और पीछे वीडियो जरूर देखिए। आप कुएं से जितना पानी निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे, कुआं का पानी उतना सुंदर मीठा स्वाद में होगा। उसी प्रकार से इस ज्ञान रूपी कुएं से भी आप जितना निकालते रहें निकालते रहें, उतना सुंदर और उतना स्वादिष्ट होगा। अतः आप इसे निकालने में कभी भी कोताही न बरते, आवश्यकता से अधिक भी निकाल लीजिएगा तो इससे नुकसान नहीं होने वाला है ना, ये नहीं कि इससे नुकसान होने वाला है। आप आवश्यकता से अधिक खाना खा लेते हैं तो नुकसान हो जाता है, लेकिन ये नुकसान नहीं करता है। तो आइए विद्यार्थी जी, हम आपको जाइलम परिवहन उत्तर, जाइलम परिवहन उत्तर किसे कहते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन है, अब जवाब आप देखिएगा, जवाब देखिएगा, सुनिएगा। अभी हम आपको बताए थे वैसा परिवहन उत्तर जो पौधे में जल और अल्प मात्रा में भरे हुए लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर दिशा की ओर करता है, उसे जाइलम परिवहन तंत्र या उत्तक कहते हैं। इस बात को बोर्ड पर लिखते हैं, वैसा
परिवहन उत्तर जो पादपों में जल तथा अल्प मात्रा में घुले हुए लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर दिशा की ओर करता है, उसे जाइलम परिवहन उत्तर कहते हैं। इसकी कोशिका मृत होती है। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने लिख दिया गया है कि वैसा परिवहन उत्तक जो पादपों में जल तथा अल्प मात्रा में घुले हुए घुले हुए लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर दिशा की ओर करता है, उसे जाइलम परिवहन उत्तक कहते हैं। इसकी कोशिका मृत होती है। तो ये आपने सुना जाइलम की। अब आते हैं फ्लोएम परिवहन उत्तर किसे कहते हैं। आंसर, वैसा परिवहन उत्तर जो पादपों में पोषक पदार्थ और भोज्य पदार्थ का परिवहन ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशा में करता है, उसे फ्लोएम परिवहन उत्तर कहते हैं। इसकी कोशिका जीवित होती है। देखिए विद्यार्थी, आप स्पष्ट शब्दों में पढ़िए, गौर से, ध्यान से।
आपको पढ़ने के लिए, देखने के लिए, देखने के लिए जितना गौर से आप देखिएगा उतना आपको मस्तिष्क में जाकर के लिए बैठेगा। देखिए गौर से, एक मिनट का पढ़ लीजिए। तो ठीक है विद्यार्थी, आपने देख लिया होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। जायम परिवहन उत्तक किसे कहते हैं? वैसा परिवहन उत्तक जो पादपों में जल तथा अल्प मात्रा में घुले हुए लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर दिशा की ओर करता है उसे जायम परिवहन उत्तक कहते हैं। इसकी कोशिका मृत होती है, यानी मृत कोशिका की बनी होती है जाइलम। फ्लोएम परिवहन उत्तक किसे कहते हैं? वैसा परिवहन उत्तक जो पादपों में पोषक पदार्थ और भोज्य पदार्थ का परिवहन नीचे से ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में करता है उसे फ्लोएम परिवहन उत्तक कहते हैं। इसकी कोशिका जीवित होती है, यानी यहाँ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों लिख दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि दोनों का मतलब हुआ क्या। तो नीचे से ऊपर पोषक पदार्थ नीचे से ऊपर और भोज पदार्थ ऊपर से नीचे, इसलिए दोनों शब्द मैंने लिख दिया गया। और एक खास बात देखिए, एक दो बच्चे जब कमेंट्स करते हैं तो कहते हैं सर मेरा नाम क्यों अकेले आया, एक दो बच्चे होमवर्क नहीं बनाते हैं। परंतु बनाते बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बनाए, लेकिन आपको और प्रोत्साहित करने के लिए मैं कुछ खास बच्चों का नाम लिया था ताकि हम जब कमेंट्स को पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर लाइव में बताएंगे कौन, इसलिए तभी कदाल हम कमेंट्स को हल्का देखते हैं तो एक दो बच्चे को नाम ले भी लेते हैं। है ये नहीं कि आपका नाम नहीं आ रहा है तो आप नहीं मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं भेज रहे हैं, आप भेजते होंगे तो जरूर आपको लिखावट जैसे होमवर्क दिया गया आपने बनाकर लिखा तो गुड वेरी गुड जो भी होता है, जैसा लिखावट होता है जैसा बनावट होता है उसके अनुसार दे देते हैं। और जो क्वेश्चन जितना मार्क्स का रहता है तो 5 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, कोई 2 नंबर का है, तो उस प्रकार से आपको बनाने के आधार पर आपको नंबर भी भेजा जाता है। आप मेहनत तो कर करके भेजे, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा सर हम भी बना के भेजते मेरे बारे में नहीं कहते। बेटे हम कितने बच्चे का नाम लें, यदि स्क्रीन पर 150 बच्चे लाइव हैं, 200 बच्चे लाइव हैं, 500 बच्चे लाइव हैं, तो मैं फास्ट में कितना पढ़ूंगा, संभव नहीं। आप उधर से तो बना के भेजें, मैं जांच करके यहां से नहीं भेजूंगा, कोई त्रुटि करके तो आप भेजिए, मैं यहां से उसके बारे में बोलूं कि आप गलती की है, तब कहिए कि हाँ सर ऐसी डायरेक्ट गुड वेरी गुड 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर दे देते हैं, कभी गलत कर देते हैं, कभी नाम लेते हैं, कभी पैसा, कोई बात नहीं करना पड़ेगा। कभी आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं मेरे माध्यम से, कितने बच्चे पढ़े हैं, 2003 से क्लास में चला रहा हूं, इस नवादा टाउन में शिकायत का मौका ही नहीं देते हैं, आप बेफिक्र रहे, नहीं क्यों नाम लेंगे, आप चिंता मुक्त रहे, आप उधर से सोल्यूशन तो भेजिए, देखिए हम किस प्रकार से आपका बनाए गए प्रश्नों को हल को हम भेजते हैं। हम हल भी दे, आप हल दे गए तो हम इधर से नंबर देते हैं कि आप 3 नंबर लायक हैं, 2 नंबर लायक हैं, 1 नंबर लायक है, 5 नंबर लायक है, बहुत अच्छी है। ऐसा बात नहीं कि आपका नाम नहीं लिया जा रहा है तो आपके बारे में कोई नहीं जान, आपको पुकार नहीं रहे इसका मतलब नहीं। अब नीतीश बोला तो कितना नीतीश है, अब कौन नीतीश के बारे में,
इसलिए बेहतर है। सही बच्चे धन्यवाद, और सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे बातों को समझते हैं, और समझे बेटे तो और अच्छा होगा। कहे कि जब एग्जाम होगा तो मैं तुमको यहीं से किस प्रकार बना देंगे मैं अभी नहीं कहूंगा, जिस समय बना देंगे उस समय, बशर्ते अभी से चलिए, अभी से करना पड़ेगा। कभी एक छोटी सी कहावत आपने सुना होगा, मरने के पहले भूत बनता है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी है जो इसका उल्टा है। नौकरी आज से 18 साल के बाद होगा तो क्या पढ़ना 18 साल के बाद शुरू करेंगे, कि आपको करना पड़ेगा अभी पहले। इसलिए पहले आप मेहनत तो करें, रिजल्ट का चिंता नहीं करना। रिजल्ट तो हम मंगवाएंगे, कैसे लाएंगे, कहां पर भेजेंगे, कितना भेजेंगे, वो तो आपके बेफिक्र, आप खाली मेहनत कीजिए, जहां पर है जैसे भी है आप मेहनत कीजिए, कैसे बताया जा रहा है। आइए विद्यार्थी, बात समय बर्बाद मत कीजिए, है बहुत मूल है। क्वेश्चन है कि जाइलम परिवहन उत्तर या तंत्र जो भी कहें और फ्लोएम परिवहन उत्तर में अंतर बताएं। चाहते तो आप भी लिख लेते है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। मेरे लिए तेज भी अच्छा और लूज बच्चा भी अच्छा है ना। आइए बहादुर, यहां लिखना है जाई लम और हलो एम परिवहन उत्तर में निम्न लिखित अंतर है। आलि बहादुर, एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम, पहला पॉइंट में यह मृत कोशिका का बना है, पढ़ेंगे यह जीवित कोशिका का बना है। बना है दूसरा यह नीचे से ऊपर दिशा की ओर परिवहन करता है। यह अब दोनों दोनों मतलब समझ आएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यह दोनों दिशा की ओर परिवहन करता है। एक लास्ट पॉइंट है तीसरा, यह जल एवं घुले हुए लवणों का परिवहन करता है। यह पोषक पदार्थ और भोज्य पदार्थ का परी
वहन करता है। आप गौर से इसको देख लेंगे, फिर हम इसको एक बार पढ़ के सुना ले। गौर से आप एक मिनट में देखिए। देखिए विद्यार्थी, तो आप लोग पढ़ लिए, देख लिया गौर से। यहां देखिए बबुलवा टेढ़ा कैसे लिखा था, खैर सब पर ध्यान दीजिएगा जरा। त्रुटियों पर जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखावट में अशुद्धियां भी है तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मेरा एक नजर है, आप लोग का हजार नजर है ना। तो आइए विद्यार्थी, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। जाइलम और फलोयम परिवार उत्तर में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ जाइलम लिखा, एक तरफ फलोयम लिखा। जाइलम की कोशिका मृत होती है, इसकी जीवित कोशिका होती है। यह नीचे से ऊपर दिशा की ओर परिवहन करता, यह दोनों दिशा में परिवहन करता है। यह जल तथा घुले हुए लवणों का परिवहन करता है, यह पोषक पदार्थ और भोज पदार्थ का परिवहन करता है। तो विद्यार्थी ये सब था जाइलम और फलोयम में अंतर। मैं इसको सफा करता हूं, गौर कीजिएगा। सही बच्चे जितना मेहनत कीजिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात मैं आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग को बायोलॉजी का जो आप लघुतरीय दिया था, लिखाना बंद कर दिए थे, वो लिखाना अब शुरू करेंगे। ध्यान से पढ़ते जाइए, देखते जाइए। पूरा से पूरा क्वेश्चन अति लघुतरीय को जितना भी दिया जाता है, फिजिक्स में पहला चैप्टर में प्रकाश के प्रवर्तन में 120 लिया था, बायोलॉजी में भी लगता है कि 60 या 70 वो लिखा चुके हैं, बाकी हम लिखाएंगे। देखिए अब आइए विद्यार्थी, हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा, दोनों में अंतर तक पढ़ा। अब पहले सुनते हैं केवल। पौधे जल का अवशोषण कैसे करता है, यानी जल मिट्टी से तो लेता है लेकिन लेता कैसे है? आप ये जरूर जानते होंगे कि पौधे के विभिन्न भागों में जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल, बीज, इतना तो सब जानता होगा। और इतना जरूर जानता होगा कि जड़ से जमीन होता है, जड़ से जड़ होता है, जड़ जमीन में होता है। समझिए ये तो सब देखा होगा, या कोई ऐसे भी है जो नहीं देखे हैं तो कम से कम सुन ली। तो जड़ जमीन में होता है और किसी भी पोषक पदार्थ और जल की जब आवश्यकता होती है तो हम मिट्टी में उपलब्ध करते हैं, मिट्टी में पहुंचाते हैं, मिट्टी में देते हैं। आप गमला में भी देखा होगा, किसान के बच्चे खेतों में देखते हैं कि जब पौधे की पानी की जरूरत होती है, फसल की पानी की जरूरत होती है तो हम सिंचाई कर देते हैं। जब उसे पोषक तत्व की जरूरत होती है तब हम लोग उसमें रासायनिक उर्वरक खाद डालते हैं, पशुओं के मल मूत्र भी डाला जाता, उससे भी पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो ये सभी मिट्टी में ही डालते हैं, लेकिन कभी कलाल कुछ ऐसे पोषक तत्व की जरूरत होती है जो पौधे में नहीं, तय करके पौधे के पत्तियां पर डाली जाती है, जो आप कहते हैं दवा के रूप में। कोई फल सब्जियां जब उगती है तो फल के समय में, फूल के समय में उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, दवा डाली जाती है जिससे फल फूल पत्तियां सुंदर होता है, फूल फल गिरता नहीं है, पौधों में विकसित होता है। तो विद्यार्थी जी
हम जिस पर बात कर रहे थे वो था कि पौधे जल का अवशोषण करता कैसे है। तो अभी बताया कि जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा होती है, लेकिन जड़ों में प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ इत्यादि, यानी प्राथमिक उत्तक, वियोजोत्तक उत्तक, द्वितीय वियोजोत्तक उत्तक, तृतीय वियोजोत्तक इत्यादि भागों में बढ़ जाता है। आप इतना तो जरूर देखते होंगे, हम किताबी भाषा छोड़ कर करके आपको अपनी भाषा में बता रहे हैं कि ये पौधे की जो जड़ें निकलती है, कितना जड़ को गौर से देखते हैं। एकदम बहुत छोटे से उदाहरण, इस पहले एक जड़ निकलती है, चना को जब देखते हैं, चना को जब देखते हैं और पानी में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो प्राश्रण क्रिया, अंतः प्राश्रण के कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है। फिर कुछ समय बाद अंकुरण होता है, अंकुरण देखिएगा बहुत बड़ा हो जाता है। यदि मिट्टी में डाल देते हैं तो एक मूलांग, मूलांग एक वृतांग, मूलांग और वृतांग, मूलांग से बन गया मूल मतलब जड़, यही बन जाता है जड़, और ये बन जाता है तना जब मिट्टी से बाहर आता है। चना 9 दिन में 9 पत्ती के साथ जन्म लेता है। यदि आप किसान के बच्चे होंगे तो आप अपने गार्जियन से पूछ सकते हैं कि चना मिट्टी से बाहर पौधे के रूप में कितने दिनों पर आता है, तो 9 दिन में, और एक साथ 9 पत्तियां रहती है उसमें। तो विद्यार्थी, एक बन जाता है तना और एक बन जाता है जड़, एक मूलांग हो गया जड़ और एक वृतांग। तो विद्यार्थी जी, ये पहले एक जड़ों में निकलती है, एक जड़ों में, फिर इसके साथ कई एक जड़, फिर इसके साथ कई एक जड़। तो अले एक जो पहले निकला प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, डॉट 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 इतना निकलते चला जाएगा, उसके अंतर्गत वही बन जाता है मूल रोम। क्या बन जाता है? मूल रोम, जो बहुत पतले बारीकी से होता है, काफी मुलायम होता है, काफी मुलायम, इतना ये मुलायम होता है ना कि आसानी से कठोर से कठोर मिट्टी या चट्टान को भी छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है। आप कभी कोई पर्वत पहाड़ पर चढ़ा होगा तो जहां पर दरारें पड़ती है पर्वतों में, वहां रेत कण आकर के जमा होता है और कोई पौधे उस दरारे में विकसित होने लगती है, तो जो जितना हार्डी है, कड़ा जो है, उसके अंदर ही मुलायम से, वो जितना कड़ा है उतनी मुलायम से अंदर प्रवेश करता है। कृष्ण ने कहा कि जीवन में कुछ पाना है तो जितना अधिक से अधिक मुलायम बन गए, इतना मुलायम बन जाइए, इतना मुलायम बन जाइए कि जिस प्रकार से पौधे की जड़ें मिट्टी, कठोर मिट्टी और कठोर पर्वत को फाड़ करके उसके अंदर प्रवेश कर मिट्टी से उपस्थित जल को अवशोषण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी, जिस मनुष्य में मुलायम होती है, वह कठोर से कठोर व्यक्ति के पास अपना वर्चस्व बना लेते हैं। दांत और मुंह की भी इसी प्रकार से मुलायम शब्दों में जीव की कहानी है। दांत कितना कठोर है
कितनी अधिक जनसंख्या में है जीव के तुलना में। जीव आपने पढ़ा कि एक है, दांत आपने पढ़ा 32 है, जीव कितना मुलायम है जो कि 32 के बीच में स्थित है। यदि आप में भी इतनी मुलायम हो तो चारों तरफ आपके कितनू हार्ड क्यों नहीं रहे, कितनू कठोर से कठोर व्यक्ति क्यों नहीं रहे, उसका राज सिंहासन आपको मिलेगा। क्योंकि आपकी वाणी इतना मधुर होगा, इतना सुंदर होगा कि सबको अंदर आत्मा को छुएगा। जड़े जितना मुलायम है, मूल रोम वो मिट्टी की अधिक गहराई में प्रवेश करता है, वायुरंध्र में प्रवेश करता है और मिट्टी के उस प्रवेश गहराई में प्रवेश करता है जहां जल और उसमें मिट्टी में उपस्थित नमी को अवशोषण करता है। अवशोषण कर यह जड़ मूल जड़ तक पहुंचाता है, मूल जड़ तक पहुंचाता है जिसमें जायम परिवहन उत्तक उपस्थित रहता है। अब जायम परिवहन उत्तक मिट्टी से जड़ में जल आ गया, जमीन से जल जड़ में आ गया, जड़े के द्वारा चाहे मूल जड़ हो, मूल रोम हो, मूल टॉप हो, जड़ में आ गया और उसी में उपस्थित है जाइलम। अब जाइलम का भी आपने पीछे वीडियो पढ़ा कि वह जल को और घुले हुए लवणों को दोनों को पौधे के जड़ों से लेकर करके तना शाखा एवं पत्तियां फल फूल सभी अंगों में पहुंचाने का काम करता है। अतः जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होती है, उस जड़ का नाम है मूल जड़, मूल रोम, टॉप रूट टॉप इसको बोला भी जाता है। इसके अंतिम छोर पर, मूल टॉप के अंतिम छोर पर जड़ों के अंतिम छोर पर मूल टॉप पाया जाता है। मैंने एक शब्द आगे पीछे बोल दिया, मूल टॉप पाया जाता है जो आसानी से जलों को अवशोषण करने में मदद करता है। तो अभी आप फिर से इस बातों को सुन लें ध्यान से कि पौधे के जड़ भाग कई भागों में प्राथमिक द्वितीय तृतीय इत्यादि भागों में बंटकर मूल जड़ बनाता है, मूल जड़ से मूल टॉप बनाता है, मूल रोम बनाता है और मिट्टी की गहराई में प्रवेश कर जल का अवशोषण कर जाइलम परिवहन तक पहुंचाता है जो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो ये था आपको समझाने की बात, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। पौधा जल का अवशोषण कैसे करता है, ये आप लोग के लिए। पौधा जल का अवशोषण कैसे करता है, अभी मैंने आपको समझाया, आप इसको गौर से देखें। तो विद्यार्थी, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको अभी मैंने समझाया है ना, आप इसको बना करके भेजेंगे, सुन करके लिखिएगा और कल से आप लोग को बायोलॉजी में जहां तक लिखाए हैं
उसके बाद अति लघु करिए, 15 को प्रतिदिन दिया जाएगा लास्ट में। तो आज आपको इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सही बच्चों को धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैनल उसी वक्त के साथ, तब तक के लिए जय।